अगर आप इस घर को देखोगे तो ये करोड़ों का घर है, लेकिन फिर भी ये अबेंडेंट है, क्योंकि ये भूतिया है। जैसे कि एक भैया आपको, हम लोग को देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। हेलो गाइज, व्हाट्स अप, बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का वीडियो एक हॉन्टेड व्लॉग है। आज हम जा रहे हैं कोलकाता हावड़ा के सबसे हॉन्टेड हाउस में, सबसे हॉन्टेड मतलब रियल हॉन्टेड हाउस, जहाँ के कई दोस्त चार स्टोरी मैंने खुद सुनी है, ठीक है, और मैं आज जाके उसे सही में फील करने वाला हूँ कि ये भाई सही बात है कि गलत बात है। तो आप भी वीडियो पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई ये है वो घर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आइए आपको दिखाता हूँ। ये रियल हॉन्टेड हाउस है, रियल, जो कि रात को कोई हॉन्टेड हाउस रियल हॉन्टेड हाउस में नहीं आता, लेकिन आज मैं आया हूँ और ये हावड़ा कोलकाता का रियल हॉन्टेड हाउस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दो दो यहाँ पे आपके पानी टंकी है, यहाँ पे वाटर स्टोरेज है, एक इधर है और एक इस साइड भी है, ठीक है। कई सारे घर हैं, ये मल्टी स्टोरी घर है। ये सारे घर जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे घर मल्टी स्टोरी घर है, ठीक है, करोड़ों का घर है, लेकिन फिर भी अगर ये अबेंडन है, इसका कारण एक ही है कि ये सच में हॉन्टेड है। इसका कहानी मैं बहुत सुनाऊँ, ठीक है, मेरा भाई यहाँ रहता है पर्सनली हावड़ा में, जो कि ये वीडियो बना रहा है, और उसके कहने पे, उसकी कहानियाँ उनके दोस्त के कंफर्म करने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। आज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा पानी भर चुका है, ठीक है, ये पूरा जंगल हो चुका है, इधर भी और इधर भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा घना जंगल है ये, इधर भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से कोई नहीं आया है, ठीक है। ये एक लाइट दिया गया है बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए कि यहाँ पे मतलब होता है ना कि भाई एक तरह का एक सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक लाइट दे दिया गया है कि कोई भी गलत काम यहाँ ना हो पाए, जैसे कि मर्डर हो गया या कुछ हो गया। तो गाइस ये है वो घर, आप ये घर पूरा देखो और ये सच में, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपको पता है क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मैं पूरा आपको इसका सिनेमैटिक दिखाता हूँ। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो ये देखो गाइस, मैं ये पूरा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ कोई भी एंटर ना कर पाए, ये देखो, ये कोई भी एंटर ना कर पाए, इसलिए इसे वॉल से पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, ठीक है। ये ऐसा कोई नहीं है कि ये एक तरह का अबेंडेंट है, लेकिन ये देखो एक खिड़की खुला हुआ है बस, और ये पूरा यहाँ पे कि कोई भी तरह का एंट्रेंस ना हो पाए, इसलिए इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये देखो, और ये पूरा ये हॉन्टेड प्लेस आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ भी एक जाने का जगह है, लेकिन वो भी बंद है बहुत काफ़ी टाइम से। ये भी आप देख सकते हो, ये पूरा जो एंट्री पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, वरना मैं आपको कोशिश करता कि कुछ दूर आगे जा कर दिखा सकूँ, लेकिन ये देखो, ये बालकोनी है ऊपर का, जो कि पूरा लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है, ऊपर की खिड़कियाँ खुली हुई हैं, और यहाँ आज भी बहुत ही डरावनी आवाज़ आती है कभी कभार रात में, जो कि उस साइड जो लोग रहते हैं, उस साइड जिनका घर है, ठीक है, वो साइड जो रहते हैं उनको आज भी सुनाई देती है। तो हम ये कंफर्म करके आए हैं, अगर आपको अगर जैसे कि लग रहा है ये देख के, ठीक है, ऐसा ये एक घर है, ठीक है, इसके आस पास भी घर थी, लेकिन वो भी यहाँ आना बंद हो गया, इसीलिए यहाँ पे जंगल आप देख सकते हो इतना सारा हो गया, वरना गाइज ये एक घर के कारण ये सारा कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, ये देख सकते हो, मेन रोड उधर से जाता है, लेकिन कोई भी इस गली की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता है, कि जो कि आप देख सकते हो इस गली का जो हाल है, इससे आप समझ में आपको आ जाएगा। और ये रियल हॉन्टेड हाउस है। हम यहाँ पर शाम में आए हैं, अभी 7 बज रहे हैं, लेकिन हम भी ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें भी अगर हम घर में बताते हैं कि हम कहाँ हैं, तो हमें भी बहुत बड़ी गालियाँ करने वाली है, ठीक है। तो गाइस ये मैं आपको आगे नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए कि इस तरह के और वीडियोस आए, तो मैं रियल हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट करके आपको दिखाऊंगा, जैसे कि बेगुन कोदार वगैरह, जो कि आप सर्च कर सकते हो, इंडिया का सबसे हॉन्टेड, इंडिया ने एशिया का सबसे हॉन्टेड यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, जो कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है। तो गाइस ये है उसका पीछे का एरिया, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक जगह है जाने को, लेकिन ये जाती भी नहीं है, ये वहीं जाके ख़त्म हो जाती है। और आप जैसे कि देख सकते हो, गेट बंद है, इसे भी सील कर दिया गया है, और यहाँ पे जो लोग भी रहते हैं यहाँ पे परमानेंटली रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे कि एक भैया आपको, हम लोग को देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। तो अभी वो आ रहे हैं, तो मैं आपको यह वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, ठीक है। We'll be right back.